तो आज इस एक्सपेरिमेंट में हम ट्राई करने वाले एक रिफाइंड ऑयल को यहाँ पर फ्रीजर में डालकर जमाने की कोशिश करते हैं, इसे बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक डिब्बे में यहाँ पर ऑयल जमा कर लेते हैं यहाँ पर पहले। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आखिर में देखते हैं कि फ्रीज़र इसे बर्फ बना पाता भी है या नहीं। ये हमने अब ऑयल निकाल लिया है, अब ये ऑयल रेफ्रिजरेटर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे लेकर चलते हैं रेफ्रिजरेटर में और डाल देते हैं और फिर इसका वेट करते हैं और देखते हैं इसका क्या होता है। तो हमने यहाँ पर तेल रख दिया है फ्रीज़र के अंदर, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका बनता क्या है, तो वेट करते हैं। 24 hours later. तो यहाँ पर 24 घंटे हमें पूरे हो चुके हैं, तो चलिए हमारे तेल का आखिर क्या बना है चेक कर लेते हैं। तो तेल के डिब्बे को ओपन करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो इसके अंदर तो हमें कुछ यहाँ पर जेली सा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रीजर तो इसे बर्फ नहीं बना पाया, तो चलिए इसमें ट्रे में हम इसे पलटा के देख लेते हैं। तो दोस्तों आप समझ पाए कि ऐसा आखिर ये हुआ क्यों है? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो चलिए हम आपको समझाते कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी साइंस यहाँ पे समझनी होगी। इसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी यहाँ पर कहा जाता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे तेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कभी भी एक जगह पर यहाँ पर जमा नहीं होते, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आड़े तिरछे यहाँ पर होते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर जो आप इसे कितना भी बर्फ़ में रखिए, कितना भी जमाइए, तो ये यहाँ पर बर्फ नहीं बन सकता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक जगह पर यहाँ पर नहीं मिलते। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।